अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने बनाए हैं पोटैटो स्नैक। ये देखिए कितने प्यारे लजीज मज़ेदार बने हैं, क्रिस्पी और लच्छेदार हमारे तैयार हुए हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देखना और हमें बताना कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। टेस्टी मज़ेदार ये खा के, ये इमली की चटनी है साथ, इमली की चटनी और दही की चटनी है साथ, बहुत मज़ेदार बने हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को हर दुख हर परेशानी से दूर रखे। आज हम बनाने लगे हैं पोटैटो स्नैक, जिस ये एक चम्मच भर के डालूंगी घी का, हाफ टेबल स्पून डालूंगी इसमें मैं नमक। अब इसे पहले घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे घी को। घी को आटे में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, 4 टेबल स्पून के करीब हम पानी डाल लेंगे, क्योंकि घी हमारा इतना ज्यादा है। चले अब इसे हम गूंद लेते हैं, सख्त करके गूंदेंगे इसे। आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम उबाल लेते हैं अपने आलूओं को, इसे रेस्ट देते हैं 15 मिनट। 15 मिनट के लिए इसे हम रख देंगे। रखिए, काट के रख दिए ताकि जल्दी उबल जाएं। ये आलू हमारे उबल जाएंगे, फिर हम इसे करते हैं मैश। उबल चुके हैं, अब हम इनको करते हैं मैश। इसमें डालते हैं हम अपनी बाकी चीज़ें। अब अच्छी तरह से कर दिया मैंने मैश। अब मैं डालूंगी इसमें वन स्पून डालूंगी इसमें मैं नमक, वन स्पून डालूंगी इसमें मैं सुरख मिर्च, हाफ स्पून डालूंगी इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ स्पून डालूंगी इसमें मैं जीरा, हाफ स्पून डालूंगी इसमें मैं पिसा हुआ सूखा धनिया, थोड़ी सी डालूंगी इसमें मैं कसूरी मेथी। मिक्स कर देते हैं इसे अच्छी तरह से। फिर हमारा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम बना लेते हैं अपनी बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा हम डालेंगे इसके ऊपर मैदा, हम इसे बेल लेंगे। लगाएंगे कट, अब थोड़े थोड़े फासले पे लगा देंगे। अब रखेंगे इसमें अपना हम मिक्सचर। कर लेंगे इधर से करेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे तैयार कर लेंगे और फिर करेंगे इनको फ्राई। प्लेट में
स्नैक हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत लजीज टेस्टी मज़ेदार बने हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करना। दुआओं में याद रखना, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, हर दुख हर बीमारी से दूर रखे। दें हमें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।